बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 मंथ कंप्लीट यानी 8वां महीना अभी शुरू हो गया है वो रिजल्ट दिखाऊंगा। हमारे क्लाइंट है नवीद अहमद, लड़काना से आए हुए, उसकी रिव्यू 7 महीने पहले हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा उसको ऐड करेंगे। तो जब इसका ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम रिव्यू दिया था इसने, नवीद अहमद के ताल्लुक सिंध लड़काना से है। और इस वीडियो में स्पेशल मेरा ये इंटरेस्ट है कि आप लोगों को ये बता दूं कि ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपको डेंड्रफ हो जाए तो क्या करना है, क्योंकि नवीद को अभी डेंड्रफ का मसला है। इसी वजह से ये आज मुझे कह रहा कि इसका मुझे कोई तरीका बता दे। नवीद आज अपने एक दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर लड़काना से उसके साथ आए हुए, उसका ट्रांसप्लांट है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी दिखा दूंगा और आपको नवीद की 7 महीने के बाद की रिव्यू भी दिखा दूंगा। नवीद का अगर आप लोग देखें, इसका सर तकरीबन यहाँ तक फुल किया हुआ था हमने, मुझे याद नहीं नवीद कितना हुआ था, इतना तो फुल हुआ था। तो ये जो बाल नज़र आ रहे ये इस एरिया में ये बिल्कुल प्योरली ट्रांसप्लांटेड है और बहुत सही डेंस ग्रोथ किया है। यहाँ पे इसके अपने बालों ने भी जो मेडिसिन के साथ थोड़ी ग्रोथ हो जाती है वो हो चुका है, ये पूरे ट्रांसप्लांटेड नहीं है। वर्टेक्स पे अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे भी सिर्फ ट्रांसप्लांटेड बाल है और इसने चूंकि ट्रिम रखे हुए छोटे है, तो इसी वजह से मैं इसमें इंटरेस्टेड था कि अच्छे रिजल्ट है और छोटे, यानी छोटे जब हो तो कैसे लगते हैं। ट्रांसप्लांटेड बाल जब बड़े होते तो ज़्यादा नज़र आते हैं, छोटे तो कम नज़र आते। दूसरी बात ये कि इसके खुश्की का मसला ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें लग नहीं रहा है कि खुश्की है, वो शायद इसको मिनोक्सिडिल स्प्रे की वजह से वो वाइट चीज़ें बनती है वो हो तो ये खुश्की कंसिडर करते हैं, या शायद हो आज इसने धोया है और नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद जब खुश्की हो जाए तो उसका तरीका ये होता है कि आप लोग मिनोक्सिडिल स्प्रे और तेल बंद कर दे 10 दिनों के लिए, और कोई भी एंटी डेंड्रफ लाइक केटोविन हाईसी की कोनास कोई भी शैम्पू ले लो और वो 10 दिन इस तरह इस्तेमाल कर ले कि एक दिन एंटी डेंड्रफ, एक दिन जो हमने नॉर्मल दिया होता है वो इस्तेमाल करे और तेल स्प्रे बंद कर दे। फिर जब खुश्की ख़त्म हो जाए तो उसके बाद सिर्फ स्प्रे शुरू कर दे, तेल को शुरू नहीं करने। तेल फिर जब आपको कंफर्म हो 2-3 हफ्ते के बाद कि ये खुश्की नहीं रही तो फिर आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, तेल से खुश्की ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल लोगों को भी जिसको खुश्की होती है मैं कहता हूँ तेल इस्तेमाल ना करें। बाकी नवीद का आप लोग हेयरलाइन देख सकते हो, थोड़ा करीब करके जूम करके फोकस कर ले, इसके साइड एंगल मैंने नहीं बनाए थे, ये इसके अपने साइड एंगल्स, मेरे वाले बाल यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं इसके साथ, और आप लोग इसके हेयरलाइन में देख सकते हो। और ये इसका 70% रिज़ल्ट है, ये पूरा रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, इसका फुल रिज़ल्ट 10, 11, 12 मंथ तक आएगा, यानी मैक्सिमम रिज़ल्ट 10 महीने पे आ जाता है। तो नवीद से पूछते हैं कि नवीद का क्या व्यू है, दोबारा क्यों आया और दोस्त के साथ आया उसके बारे में बता देगा, और उसके रिज़ल्ट देख के इम्प्रेस हुआ है डेफिनेटली वो इसलिए आया हुआ है। हाँ जी नवीद आप बता दे थोड़ा। जी 7 मंथ्स अच्छे गुजरे मेरे और माशाल्लाह। आपने जब ट्रांसप्लांट किया इनिशियली आपको क्या प्रॉब्लम थी वो थोड़े शेयर करें या मेरे तो यहाँ तक बाल ख़त्म हो गए थे, यहाँ थे मेरे थोड़े बहुत अपने, लेकिन डेंड्रफ इतनी थी कि क्या बताऊँ, बस हाथ लगाने के बाद जो है डेंड्रफ नीचे आ जाती थी, गिर जाती थी, और तकरीबन सारे बाल मेरे ख़त्म हो गए थे ना, तो उसके बाद ट्रांसप्लांट की और उसके बाद भी मुझे डेंड्रफ थी। जी तो ये चीज़ मैं करता रहा 10 दिन के बाद, मतलब शैम्पू वगैरह यूज़ करता रहा, तो माशाल्लाह से रिजल्ट अच्छी आई है। तो 7 महीने में आपने पीआरपी की कि नहीं की? हाँ 7 महीने मैंने पीआरपी की, 4th time पीआरपी थी ये मेरी। पीआरपी कहाँ से आप कर? एक पीआरपी मैंने कराची से करवाई थी और 3 यहाँ से करवाई है। अच्छा 3 दफा आप आए हो? जी मैंने सोचा एक पीआरपी के लिए आए हो। तीन। रिजल्ट से आप मुतमईन हो फिलहाल? बिल्कुल फिलहाल मुतमईन। अभी आपके साथ कोई दोस्त आया उसके बारे में? मेरा दोस्त एक असिस्टेंट कमिश्नर है वहाँ का, उसने मेरी रिजल्ट देखी तो उसने पूछा कहाँ से करवाई है, तो उसको भी साथ लेके आया हूँ, आज उसकी ट्रांसप्लांट है और मैंने भी आज पीआरपी भी करवाई है और उसका वेट भी कर रहा हूँ, जैसे ही फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह उसकी भी रिजल्ट अच्छी आ जाएगी। तो आप लोग फिर देख सकते हो इसके नवीद का, इससे मैं कोशिश करता हूँ अगर बिफोर वाले पिक्चर इसके पास है या मेरे पास होंगे वो भी इस वीडियो में आपको ऐड करूँगा, और इसका जो पहला रिव्यू है 7 महीने पहले उसका भी थोड़ा क्लिप डालेंगे इसमें, और आप लोग इसका देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट है और हेयर लाइन नेचुरल है, पता ही नहीं चलता है। हालांकि ट्रांसप्लांटेड बाल अगर छोटे रखे तो बहुत कम नज़र आते हैं, इसने छोटे रखे हुए फिर भी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं और ये रिज़ल्ट अच्छा है इसलिए दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात ये डेंड्रफ वाली बात मैं क्लियर करना चाहता था।